अस्सलामुअलैकुम लवली फेलोज, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे इंशाल्लाह। और आज हम जिस प्लांट के बारे में बात करेंगे वो है ये ब्राज़ीलियन फिलोडेंड्रॉन। तो ये ऊपर मेरे रूफ टॉप गार्डन में है, ये आप ये देख सकते हैं, ये है ब्राज़ीलियन फिलोडेंड्रॉन। ठीक है, ये आप इसको देख लें। और ये बहुत इजीली ग्रो करता है, इसके पत्तों का साइज़ देखें। और इसके पत्ते छोटे भी होते हैं और बड़े भी होते हैं। ये मैंने जो एक्सपीरियंस किया है कि ये सारा डिपेंड करता है इसकी अपनी एडजस्टमेंट में कि ये किस जगह पे ना ज़्यादा खुश हो जाता है। तो अदरवाइज़ इस पर आप ये मॉस स्टिक अगर डालते हैं ना तो ये चीज़ इस पर बड़ी बेनिफिट करती है, क्योंकि मॉस स्टिक से ये ज़रा खुश होता है। और इसकी रूट्स चूँकि वो अंदर जाती हैं मॉस स्टिक के, और फिर हम जब पानी देते हैं तो हमने इस मॉस स्टिक को भी पानी देना होता है, जैसे मैंने आपको मनी प्लांट वाली वीडियो में बताया एग्जैक्ट उसी तरह। तो ये फिर वहाँ से मॉइस्चर लेता रहता है। हम अगर कोई लिक्विड खाद भी डालते हैं, या आप उस पर कोई जैसे चावलों का जो हमने भगोए हुए होते हैं उनको पानी को भी अगर आप स्टिक पे डालेंगे एज आ फर्टिलाइज़र, तो वो वहीं से आहिस्ता आहिस्ता अपनी फूड लेता है। तो कोई भी आप इस पर खाद डाल सकते हैं, काउ डंग की एक मुट्ठी महीने बाद डाल दें, कोई भी खाद आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इसकी कोई वो स्पेसिफिक खाद मैंने इसमें कभी नहीं डाली, मतलब आप महीने बाद एक मुट्ठी काउ डंग इसकी मिट्टी में गोडी करके उसके बीच में मिक्स कर दें। और ये धूप फुल सन में आपने इसको बिल्कुल भी नहीं रखना है, बिल्कुल भी ये फुल सन में पौधा ख़राब हो जाएगा। यहाँ ऊपर ये इसकी बड़ी हिम्मत है कि ये रूफ टॉप गार्डन में सर्वाइव कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत गर्मी है, जून है और शदीद गर्मी है। लेकिन बीच बीच में देखें फिर भी बेचारे पत्ते थोड़े थोड़े अफेक्ट होते हैं, लेकिन नेट की वजह से थोड़ी बचत हुई हुई है। और पहले ये मेरे टेरेस में होता था, लेकिन वो ऐसी वहाँ पे कंजस्टेड जगह थी कि मुझे वहाँ से इसे निकालना पड़ गया। तो ये ज़रूर आप लगाएं, और इसके पत्ते आहिस्ता आहिस्ता बड़े होते गए। और मैंने इसके ऊपर से कई दफ़ा कटिंग्स भी छोटी छोटी लेके पानी में ग्रो की हैं। आप इनकी कोई भी कटिंग उतारें, इसको पानी में लगाएं और उसके बाद उसकी रूट्स निकलेंगी, तो आपने उसको मिट्टी पे लगा देना है। तो जो इसकी रूट्स का मैं फिर दोबारा बता रही हूँ कि अगर आप पानी में लगाते हैं तो 4-5 दिन तो आपने उसके बाद पानी हर सूरत में चेंज करना है, ताकि रूट्स गले ना पानी में। और उसको अंदर ही आप अपने इंडोर कहीं रखें, आपने पानी में लगा के कहीं बाहर धूप में नहीं छोड़ना है, इंडोर रखना है अपने किस कहीं पे भी, टेबल पर कहीं पे भी आप रख सकते हैं। तो इसकी खूबसूरती बहुत ज़्यादा है, आप ये देख रहे हैं इसके पत्ते माशाल्लाह कितने अच्छे, और जहाँ जहाँ से ये ब्राउन हो रहे हैं तो वो आप समझ जाएँ कि थोड़ा सा धूप का गर्मी का इफेक्ट है। लेकिन ये बड़ा टॉलरेंट है, इसलिए कि इस शदीद गर्मी में भी ये रूफ टॉप में नेट के नीचे, बेशक नेट है लेकिन मतलब ये इसके लिए रिक्वायरमेंट्स इसकी वही मनी प्लांट वाली हैं। तो पानी इसको ड्राई होने पे दें, और जैसे लेकिन मिस्ट इसको फ्रीक्वेंट करें, मतलब आके मैं चूंकि छत पे आके पाइप से पानी देती हूँ, तो मैं फ़ौरन इसके, अगर मैंने इसको सुबह पानी दिया हुआ है तो मैं किसी टाइम आके सिर्फ इसके पत्तों को जल्दी से पाइप से धो देती हूँ जल्दी से, और मतलब एक छिड़काव कर दिया और हटा दिया। तो गर्म पानी नहीं डालना क्योंकि गर्मी शदीद है। तो ये चीज़ है इसकी। और दूसरा ये है कि मिट्टी इसकी वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स जो हैं वो वेल ड्रेन्ड मिट्टी ही चाहते हैं। वेल ड्रेन्ड मिट्टी में फिर एक्सप्लेन कर दूं, जिसमें पानी खड़ा ना हो, कि आपने दिया तो वो बस थोड़ा ही आप इंतज़ार करना पड़े और बस वो सारा पी जाए, जब एक्स्ट्रा है वो नीचे से निकल जाए। होल ज़रूर होना चाहिए गमले में, वरना ये रूट्स गल जाती हैं। होल नीचे, उसके ऊपर फिर आपने एक छोटा सा मिट्टी का वो उसका उस किसी भी चीज़ का टुकड़ा, ईंट का टुकड़ा कुछ भी रख दें, ताकि होल मिट्टी से बंद ना हो। तो ये ज़रूर रखना होता है। तो ये ग्रो करें और इन्जॉय करें इस प्लांट को। तो ये बहुत ईजी है ग्रो करना। और जो लोग ये कहते हैं कि ये डिपेंड करता है क्लाइमेट पर, ऐसी कोई बात नहीं, ये पूरा साल ये यहाँ पे सरवाइव किया है इसने, और ये इंशाल्लाह आप पे भी के लिए भी करेगा। आप इसे बरामदे में रखें, आप इसे इंडोर किसी विंडो के पास रखें, आप चाहे इसको हैंग करें, हैंग करें कि तो ज़ाहिर उसके छोटे पत्ते होंगे, ठीक है। आप अगर मॉस स्टिक लगाएंगे तो ये आहिस्ता आहिस्ता इसके पत्ते बड़े होते जाएंगे। और शेड पे रखें, हाँ मॉर्निंग सनलाइट ये बर्दाश्त कर लेता है आराम से, लेकिन दोपहर की धूपें ये बर्दाश्त नहीं करेगा।
तो उम्मीद है आपको इसकी डिटेल समझ आ गई होगी, तो प्लीज़ ज़रूर इसको लगाएं। और अगर फिर भी कोई परेशानी क्वेश्चन इससे रिलेटेड होता है तो आप मुझे ज़रूर पूछ लिया करें, मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैं आपको और मज़ीद गाइड कर सकूं। तो थैंक यू सो मच, और प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी दिखाइए। और हैप्पी गार्डनिंग एंड थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। Like a real love, but it goes so fast all time.